हेलो गाइस, वेलकम टू जीजीबीडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वेनम मूवी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि वेनम मूवी यूएस में इसकी रेटिंग्स काफी खराब गई थी और इसकी स्टोरी को अच्छा नहीं बताया गया था, पर जैसे ही ये भारत और चाइना में लगी तो उसकी स्टोरी को काफी ज्यादा पसंद करा गया और उल्टा इसकी रेटिंग्स काफी अच्छी भी बन गई। और देन अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करी जाए तो इसने स्पाइडरमैन होमकमिंग को बीट कर दिया। यानी कि स्पाइडरमैन होमकमिंग का जो कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस टोटली वर्ल्ड वाइड वो है 880 मिलियन और जबकि वेनम का है 822 मिलियन, जो कि बहुत अच्छी बात है। और देन उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आती है इसके बाद वेनम के, वो है स्पाइडरमैन 3 890 मिलियन, यानी कि टॉबी मैकफाई की। तो ये मूवियां काफी अच्छी रही, पर फाइनली वेनम ने काफी अच्छा स्कोर करा और स्पाइडरमैन होमकमिंग को बीट कर दिया। और देन ये फैंस के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि वो वेनम को काफी खराब समझ रहे थे, पर आज के टाइम में वो उल्टा हो चुका है। वेनम चाइना में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है कि इसे काफी ज्यादा पसंद भी किया जाने लगा है। और देन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करी जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो नहीं देख रहे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पेन मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय।